हरियाणा के नू में बुलडोजर अभियान रुक गया है और अगले आदेश तक अवैध निर्माण हटाने का यह अभियान रोका गया है। आपको बता दें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। 6 दिन बाद नू में जिस तरीके से कर्फ्यू में ढील दी गई है, उसकी तस्वीरें भी आपको TV9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है, जहां बैंक और ATM अब खुल चुके हैं, बस सेवाओं की वापस शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस बीच हालात पर नजर बनाई गई है। आपको बता दें, ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। और इस बीच ये 3 तस्वीरें एक साथ भी आपके सामने होंगी, जहां नू में अब हालात सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 दिन बाद शहर में कर्फ्यू में दी गई ढील की तस्वीर, ATM और बैंक्स भी अब जरूरी सेवाएं खुल चुकी हैं। हालांकि पुलिस अभी भी संवेदनशील इलाकों पर मुस्तैद है, नजर बनाए हुए है, जगह जगह पेट्रोलिंग भी कर रही है। हिंसा के 1 हफ्ते बाद अब नू में जरूरी सुविधाएं जिस तरीके से बहाल हो रही हैं, मार्केट खुल रही हैं, बैंक और ATM खुल चुके हैं। पुनीत शर्मा की वहां से एक रिपोर्ट देखिए। नू में हिंसा को आज 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। पहले इस हफ्ते के दौरान 1-2 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी जाती थी, लेकिन आज से कर्फ्यू में दोपहर 3 बजे तक ढील दी गई है। ये जो ढील है वो सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 3 बजे तक रहेगी। और ऐसे में नू शहर में सिर्फ सरकारी दफ्तर कार्यालय ही खुल सकते हैं। नू का ये आप देख सकते हैं, एक बैंक है, सरकारी बैंक है, जो कि यहाँ पर खोल दिया गया है। सुबह 10 बजे ये बैंक खोला गया और अंदर जो है कस्टमर आ सकते हैं, दोपहर 3 बजे तक ये लोग अपने कामों को करवा सकते हैं। ये बैंक है और आप देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कस्टमर भी यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ पे किस काम से आए हैं? पैसे निकलवाने के लिए आए हैं। पैसे निकलवाने के लिए? 1 हफ्ते तक घर में ही थे जी। अच्छा, तो अब आज कर्फ्यू में ढील दी गई है, इसीलिए आए हैं आप? जी जनाब। ठीक है, तो ये पैसे निकलवाने के लिए यहाँ पे आए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो दफ्तर के बैंक के कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब बैंक का जो काम है वो रूटीन शुरू कर दिया गया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपने सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर तैयार रखा है? बिल्कुल बिल्कुल रखा हुआ है। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो पुलिस को तुरंत? प्रोटेक्शन हमने मंगवाई हुई है, अभी आ जाएगी बाहर। अच्छा, पुलिस प्रोटेक्शन भी मंगवाई? तो जाहिर तौर पर बैंक मैनेजर साहब, जिनका कहना है कि पुलिस प्रोटेक्शन भी मंगवा ली गई है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी। और अब यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से नू में जो जिंदगी है वो अब पटरी पर लौट रही है। नू में हिंसा के तांडव में किस कदर कारोबारियों को नुकसान पहुंचा है और किस तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की गई, टाइल्स शोरूम से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की। नू में जिस तरीके से पिछले सोमवार को हिंसा हुई, उसको लेकर के प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि जहां जहां से पत्थरबाजी हुए, जिन घरों का इस्तेमाल किया गया पत्थरबाजी के लिए, उन घरों को तोड़ा जा रहा है। एक ऐसा ही ये दुकान है यहां पर, ये बड़ी एक शोरूम है कजारिया टाइल्स की, जिसको यहां पर बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया। आप देखेंगे कि ये पूरा जो कजारिया टाइल्स की एक बड़ी बिल्डिंग है, 3 मंजिला इमारत, इसको पूरी तरीके से यहां पर रविवार को ध्वस्त कर दिया गया है। ये पूरी बिल्डिंग तोड़ दी गई है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो मौजूद है। क्या नाम है आपका? लियाकत है जी, मेरा नाम लियाकत जी। प्रशासन का कहना है कि जो पत्थरबाज थे, जो दंगाई थे, वो यहां से भी पत्थरबाजी कर रहे थे और इसीलिए ये बिल्डिंग तोड़ी। आप क्या कहना भाई? जनाब दिखाओ ना, कोई वीडियो दिखाओ, कुछ भी दिखाओ हमारे लिए। मैं तो दंगा जब हुआ था, मैंने इधर के भी मैं खुद मौजूद था। मैंने ये शटर इधर की भी बंद कर दी, मैंने उधर की भी शटर दोनों बंद कर दी। कहाँ से दंगाई चढ़ गई इस पे? जिस वक्त दंगा हो रहा था उस वक्त आप यहाँ पे मौजूद थे? मैं खुद मौजूद था इसमें। आपके साथ और कितने लोग थे? नहीं, एक भी नहीं था, एक लड़का और था मेरा छोटा। अच्छा, जब दंगा आपने देखा, पत्थरबाजी हो रही है, फिर आपने क्या किया? मैंने तो शटर, इधर की भी शटर बंद कर दी, उधर की भी शटर बंद कर दी अपनी, सब बंद करके अंदर हो गया। इसमें अंदर रहे था, अंदर रहे। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग आए थे आपके पास, आपने उनको शरण दी, वो लोग कौन थे? वो बराबर की, हाँ बराबर की जो बिल्डिंग है हमारी, उसमें छुपे थे वो। हाँ, वो लोग कौन थे? वो बजरंग दली में से थे। अच्छा। हाँ, बजरंगी थे वो, चार बंदे थे, वो छुपाए थे हमने जब वो। प्रशासन ने आपको कोई नोटिस दिया, कुछ बताया कि भाई हम आपका ये तोड़ने जा रहे हैं, आप इसको खाली कर लीजिए, आपका 10 करोड़ का माल अंदर है? कोई नोटिस नहीं दिया हमारे लिए, बस सीधा आए और तोड़ दिया। वो तो प्रेस वालों ने बताया कि भाई आपकी बिल्डिंग टूट रही है, कहाँ हो आप? तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कजारिया टाइल्स के मालिक हैं, इनका कहना है कि इनके पास कोई नोटिस नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया, किसी तरीके की पूछताछ नहीं हुई और जिस वक्त दंगा हो रहा था उस वक्त वो अपनी दुकान पर मौजूद थे। दंगा देख करके शटर बंद किया, अपनी दुकान के अंदर रहे ताकि खुद भी महफूज रहें और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया जो दंगाई थे। लेकिन ऐसे में ये साफ मना कर रहे हैं कि दंगे से इनका कोई लेना देना नहीं है और ना यहाँ से पत्थरबाजी हुई। तो फिर प्रशासन ने जो कार्रवाई की उसको गलत करार दे रहे हैं।
आपको दिखाते हैं नू में 31 जुलाई को हालात क्या थे। एक चश्मदीद की जुबानी सुनकर आप दहल जाएंगे। जहां पर हिंसा हो रही थी ठीक उसी जगह पर डॉक्टर रफीक का भी घर है और उनके घर के पास पथराव हुआ, गोलियां भी चली। हिंसा के वक्त उन्होंने अपने घर की छत से वीडियो भी बनाया। देखिए संवाददाता अंजू निर्वाण की रिपोर्ट। यहाँ पर ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये जो नूह तावड़ी रोड है और यहाँ पर जो पुलिस है वो फ्लैग मार्च करने के लिए आई थी, लेकिन फ्लैग मार्च करते करते आप ये देखिए इनके हाथ में गन है और यहाँ पर ये देखिए पुलिस वाले ने यहाँ पत्थर मारा। यहाँ पर आप देखिए बीच बीच में जो पुलिस है वो भी यहाँ पर फायरिंग कर रही है। हालांकि यहाँ पर उस तरीके से कोई पथराव नहीं हुआ है, लेकिन फायरिंग यहाँ पर की जा रही है। बीच बीच में देखिए ये फायरिंग, ये देखिए बीच बीच में फायरिंग जो है वो यहाँ पे की जा रही है। फ्लैग मार्च किया और बीच बीच में फायरिंग हो रही है, पथराव भी खुद से किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों के लिए खास तौर से लेकर आया है कि नूह तावड़ी रोड पर जब फ्लैग मार्च हुआ तो क्या किया गया। और जिस तरीके से सर आप बता रहे थे कि जब गोलियां चल रही थी तो एक गोली आपकी छत के ऊपर भी लगी थी। जैसे ही इधर उधर जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में कि पुलिस इधर उधर गोली चला रही है, तो उसमें से एक गोली का मुझे ये नहीं मालूम वो गोली है या क्या चीज़ है, मैंने कभी लाइफ में देखी नहीं। तो मेरी छत के उस पर लगा, वो उसका टुकड़ा है नीचे गिरा हुआ, मैंने देखा तो उसके साथ एक मेटल टाइप का शायद गोली होगी, वो मैं कन्फर्म नहीं करूँगा।